हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के यहाँ पे आए हैं, जहाँ पे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप कंपनी एंड LLP के बीच में डिफरेंस, यानी कि इन तीनों का क्या मतलब होता है और इनमें कौन कौन से कंपैरिजन आप कर सकते हैं। तो इन तीनों का कंपैरिजन आज हम करके देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पर उससे पहले, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं या फिर हमारी वीडियोज देखते रहते हैं पर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चाहिए पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बने हुए छोटे से बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जितनी भी फ्यूचर में आने वाली वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो देखिए, यहाँ पे हम कई कुछ नोट्स चुरा करके लाए हैं, क्योंकि ये मुझे ऑनलाइन मिले थे और काफ़ी बेहतरीन लगे, तो मुझे लगा मुझे ये यूज़ करके आपको समझाना चाहिए, तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके एग्जाम में। पार्टनरशिप और कंपनी एंड LLP, इन तीनों का जो प्रिवेलिंग लॉ है, यानी कि जिसके तहत ये लॉ के अंदर इसको जो है गवर्न किया जाता है, या ये कह लीजिए जिसके तहत इनमें कैसे काम करना है, क्या राइट्स होगी, क्या ड्यूटीज़ होगी, जिनके बारे में बताया गया है। जैसे पार्टनरशिप के बारे में जो है कहाँ एक्सप्लेन किया गया है, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अगर आपको ये देखना है एक पार्टनर के पास क्या क्या ड्यूटीज़ अवेलेबल हैं, क्या क्या राइट्स अवेलेबल हैं, क्या क्या चीज़ें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आप कहाँ जाओगे, पार्टनरशिप एक्ट में, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। तो वहाँ पे आपको जो है पता चल जाएगा पार्टनरशिप से रिलेटेड सारी चीज़ें। तो पार्टनरशिप जो है उसका प्रिवेलिंग लॉ है आपका द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। नेक्स्ट इज योर कंपनी। कंपनी का जो प्रिवेल्ड लॉ है वो है आपका कंपनीज एक्ट 2013। एक कंपनीज एक्ट 2013 बना हुआ है, जहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिलेगी कि कंपनी को कब रजिस्टर करना है, कितनी मिनिमम कैपिटल होना चाहिए, कितना जो है मिनिमम आपके डायरेक्टर्स होने चाहिए, कितने जो है मेंबर्स कैसे जुड़ेंगे, कैसे शेयर कैपिटल जोड़ा जाएगा, कैसे उसका जो है ट्रांसफ़र होगा, कितना रिजर्व होगा, कैसे डायरेक्टर्स ऐड होंगे, कैसे बोर्ड ऑफ मीटिंग्स होगी। तो हर चीज़ के बारे में, हर उसकी कुंडली के बारे में अगर आपको देखना है तो जाइए और कंपनीज एक्ट 2013 की बुक खोलिए, और यानी कि उसको खोलिए, वहाँ आपको सब कुछ दिख जाएगा। वहीं LLP की बात करें तो LLP के लिए भी एक अलग से जो है आपका लॉ बना हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड योर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। पार्टनरशिप और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का जो मेन डिफरेंस होता है वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं एक वीडियो में। तो यहाँ पे लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, यानी ऐसी पार्टनरशिप जहाँ पे आपकी जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड है। लिमिटेड यानी कि जितना आपका शेयर होगा उतना ही आपसे कल को पैसा मांगा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि लॉस हो गया बहुत ज़्यादा तो आपको जो है सारा पैसा अपनी जेब से भरना पड़े या फिर सबको मिलकर भरना पड़े, नहीं, जितना आपका शेयर था उतना ही आप जो है पैसे भरोगे, तो उसको कहा जाता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। अब रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पार्टनरशिप में जो है रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है। अगर आपको पार्टनरशिप में मिलने वाले फ़ायदे उठाने हैं तो वहाँ पे आपको फिर रजिस्टर करवानी पड़ेगी, बट दैट इज़ ऑप्शनल, आपका ऑप्शनल है। पार्टनरशिप का अगर आप कराना चाहो तो कराइए, नहीं तो मत कराइए, तो दैट इज़ अ ऑप्शनल ऑप्शन, ठीक है, एक तरीके से ऑप्शनल आपके पास है। बट वहीं कंपनी में ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी किसके साथ, रजिस्ट्रार ऑफ ROC के पास। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको MCA की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, वहाँ अपना आपको साइन अप करना पड़ेगा, ठीक है, रजिस्टर करना पड़ेगा, एंड देन आप वहाँ पे क्या करोगे, ऑनलाइन ही पूरी प्रक्रिया है, आप वहाँ पे जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरोगे। वहीं LLP की बात करें तो रजिस्ट्रेशन विद रजिस्ट्रार ऑफ LLP आपको करवाना पड़ेगा, यानी कि इन शॉर्ट इन नटशेल बात की जाए तो कंपनीज एंड LLP जो होती हैं उनको रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है, यहाँ पे कुछ ऑप्शनल नहीं होता। अगर आपने रजिस्टर नहीं कराया, अगर आपने अपने आपको रजिस्टर नहीं कराया और कह रहे हो मैं कंपनी हूँ, तो आपको मारा जाएगा थप्पड़ और कहा जाएगा चल निकल यहाँ से, क्योंकि कंपनी क्या होती है, जो रजिस्टर्ड होती है तभी आप एक कंपनी की जो है आइडेंटिटी मिलती है। सेम गोज विद द LLP। नाउ नेक्स्ट वन इज़ क्रिएशन। अब देखो, अगर आपको पार्टनरशिप क्रिएट करनी है, मान लो मुझे और आपको एक पार्टनरशिप क्रिएट करनी है कोई बिजनेस के लिए, तो हम क्या करेंगे, हम एक कॉन्ट्रैक्ट बना लेंगे, ऐसे ही 10-12 पन्नों का कॉन्ट्रैक्ट बना लेंगे जिसमें सब डिटेल लिख देंगे कि हमारा ये काम है, हम दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं, इतना इतना प्रॉफिट हम बांटेंगे, लॉस होगा तो इतना इतना बांटेंगे, सैलरी अगर मिलनी होगी तो इसको इतनी मिलेगी, मुझको इतनी मिलेगी, ठीक है, अदर कुछ ऑप्शंस होंगे तो इसको इतना मिलेगा, किसी के पास एक्स्ट्रा राइट्स है तो वो डिस्क्राइब कर दिया जाएगा, तो वो पूरी डिटेल उसमें लिखी जाती है। तो वो क्या है कि पार्टनरशिप आप कॉन्ट्रैक्ट बना करके बना सकते हो। वहीं पर कंपनी में ऐसा नहीं होता, कंपनी और LLP क्या है वो लॉ के तहत बनती है, यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हो, गवर्नमेंट के पास डिटेल जाती हैं, वो पूरे एक्ट के तहत देखती हैं कि क्या ये व्यक्ति बना सकता है या नहीं, तो उस चीज़ों के अकॉर्डिंग जो है ये लॉ के द्वारा क्रिएशन होती है।
डिस्टिंक्ट एंटिटी, यानी कि हम जो 11th से पढ़ते आए हैं कि एक बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग होता है, उसके बारे में यहाँ पे क्या बोला गया है, पार्टनरशिप जो है उन पार्टनर्स से ही मिलकर के बनी है, तो यहाँ पे कोई भी सेपरेट एंटिटी नहीं होती है। कि आप ये नहीं कह सकते कि जो पार्टनरशिप फॉर्म है, जैसे कि ये तीन पर्सन है, कैमरे का बड़ा इशू होता है, जैसे ये तीन पर्सन है, ठीक है, ए बी और सी, इन तीनों ने मिलकर पार्टनरशिप बनाई, तो ये नहीं कहा जाएगा कि ए बी सी जो है तीन अलग लोग हैं और ये फर्म जो है वो अलग है, नहीं, ये तीनों लोग यानी कि ये फर्म है, तो इसलिए इसकी जो है अलग अलग एंटिटी नहीं होती। पर यहाँ पे कंपनीज एक्ट में पूरी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, एंड सेम गोज विद LLP की इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, ये भी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, यानी कि कंपनी जिस व्यक्ति ने बनाई है, कंपनी जैसे ही रजिस्टर हो जाती है उसको एक आर्टिफिशियल पर्सन की जो है आइडेंटिटी मिल जाती है, जैसे हम लोग जीते जाते पर्सन है, हमारे पास सारे अधिकार है, हमारे पास पूरा जो है मूलभूत अधिकार है जो हमारे संविधान में डिस्क्राइब किए गए हैं, वही उस कंपनी को भी मिलते हैं, वो भी एक इंसान की तरह ही होती है, पर वो आर्टिफिशियल पर्सन बन जाती है। आर्टिफिशियल यानी कि जिसको निर्मित किया गया है, हमारे माँ बाप ने हमें बनाया, ठीक है, जो भी प्रोसीजर होगा उससे बनाया, और हमने उस कंपनी को बनाया रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस करके, तो उसको क्या किया गया कि आर्टिफिशियल जो है पर्सन वो कहलाई जाएगी, तो इसीलिए उसकी जो आइडेंटिटी होती है वो अलग होती है, सेपरेट होती है, उसका अपना अलग अस्तित्व होता है। नेम ऑफ एंटिटी, यहाँ पे जो है पार्टनरशिप में आप कोई भी नेम रख सकते हो, आपने और मैंने मिलकर के लिख दिया तीरू पीरू करके, तीरू पीरू प्रामणी कुछ भी नाम रख के पार्टनरशिप शुरू कर दी, बट यहाँ पे जो है कंपनी में क्या होगा, नेम जो होगा उसके बाद लिमिटेड लगेगा अगर आपकी पब्लिक कंपनी है, और प्राइवेट लिमिटेड लगेगा अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है। लेट सपोज मैं अपने ही नाम से बनाना चाहती हूँ, कोमल अरोड़ा कंपनी बनाना चाहती हूँ मैं इस नाम से, तो अगर मैं प्राइवेट कंपनी बना रही हूँ तो मैं नाम के पीछे लगाया जाएगा कोमल अरोड़ा प्राइवेट लिमिटेड, और अगर वहीं पे ये पब्लिक कंपनी है तो वहां पे लगेगा कोमल अरोड़ा लिमिटेड। तो किसी भी कंपनी का नाम को देख करके आप पता कर सकते हैं कि ये प्राइवेट लिमिटेड है या पब्लिक लिमिटेड है। वहीं अगर LLP में देखें तो जो भी पार्टनरशिप का नाम होगा उसके पीछे LLP लिखा जाएगा, जैसे कि जीनू पीनू LLP, यानी कि जीनू पीनू ने पार्टनरशिप की हुई है, एक नाम बनाया हुआ है उन्होंने जीनू पीनू, और ये क्या है, एक LLP है। Perpetual succession, it does not have any perpetual succession as it depends on the will of the partner. Perpetual succession मतलब चलता ही रहेगा, अभी तो और चलेगा वाली सिचुएशन, कि कभी ये नहीं सोचा जाएगा कि आपकी कंपनी जो है जल्दी ख़त्म हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। परंतु पार्टनरशिप में क्या होता है, पार्टनरशिप में ये होता है जैसे ही किसी एक का दिमाग चटक गया, किसी भी पार्टनर का दिमाग चटक गया, वो पार्टनरशिप तोड़ देगा। ठीक है, दो लोग रिलेशनशिप में होते हैं, एक का दिमाग चटक गया तो उसने रिलेशनशिप तोड़ दिया, तो इसका मतलब क्या है, पार्टनरशिप की जो परपैक्चुअल सक्सेशन वाली जो सिचुएशन होती है यहाँ अप्लाई नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई भी एक पार्टनर चला गया तो वो पार्टनरशिप वहाँ पे टूट जाती है। वहीं पे कंपनी में ऐसा नहीं होता, कंपनी में क्या होता है, पर्सन आएंगे जाएंगे, तू आएगा जाएगा, पर मैं तो ऐसा ही रहूँगा, तो कंपनी क्या है, कंपनी वैसे ही रहती है, परपैक्चुअल सक्सेशन होता है, यानी कि किसी के आने जाने से कोई गम नहीं होता कंपनी को। कंपनी कहेगी आज तू मेंबर है, ठीक है, अच्छी बात है, तेरे साथ काम कर रहे हैं, कल को कोई और होगा, तेरे आने या जाने का मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वहीं पे LLP में क्या होता है, इट हैज़ परपैक्चुअल सक्सेशन एंड पार्टनर्स में कम एंड गो। LLP में भी जो है परपेक्चुअल सक्सेशन हो सकता है, पार्टनर्स आ सकते हैं जा सकते हैं, उसमें ऐसा नहीं है एक पार्टनर चला गया तो पूरी LLP टूट जाएगी। नाउ कम टू द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट में क्या होता है, पार्टनरशिप डीड जो है वो इसका मेन डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें सब चीज़ें डिस्क्राइब की गई होती हैं कि पार्टनर के क्या राइट होंगे, क्या उसके ड्यूटीज़ होंगी। पर कंपनी का जो मेन डॉक्यूमेंट होता है वो होता है MOA और AOA, ठीक है, MOA और AOA, ये दो डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जो कंपनी के बारे में पूरा स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं या उसके बारे में बताते हैं। MOA में ये बताया जाता है कंपनी की लिमिट्स क्या होने वाली है, कंपनी कैसे काम करने वाली है, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स होने वाले हैं, उसकी क्या डिटेल्स होने वाली हैं, उसका क्या नाम पता, सब जो है MOA में होता है। और AOA में होता है कि कंपनी जो है अपने अंदर ही कैसे काम करेगी, उनका जो पूरा प्रोसीजर चलेगा, ऑपरेशंस जो होने वाले हैं, अंदर का जो काम है वो कैसे काम किया जाता है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन विच वी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस वीडियोस, इफ यू हैव नॉट watched it yet, please go and watch it. ठीक है, तो MOA और AOA के बारे में हम पहले भी बता चुके हैं। तो यहाँ पे जो है मेन डॉक्यूमेंट एक कंपनी का होता है MOA और AOA। LLP में क्या होता है, LLP अग्रीमेंट जो है वो मेन डॉक्यूमेंट होता है, विच डिनोट्स के उसके क्या ऑपरेशंस होंगे, क्या राइट्स होंगे, क्या ड्यूटीज होंगी, वाइसा वर्सा सब चीज़ें।
कॉमन सील की बात करें तो यानी कि एक ठप्पा, जैसे कि आपकी पार्टनरशिप है उसमें जो है कॉमन सील का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, बट कंपनी में क्या है, एक कॉमन सील होती है। जैसे कि आपकी कंपनी में आज कोई डायरेक्टर है कल कोई होगा, उससे मतलब नहीं होता। तो एक सील होती है, यानी कि एक तरीके से आप स्टैम्प बोल सकते हैं, जो कि मेन होती है, जो कि कंपनी के एक इंडिविजुअलिटी दिखाती है कि ये उसका ठप्पा है। कल को कोई डायरेक्टर आएगा वो साइन करेगा उसके साथ, और नेक्स्ट टाइम जो होगा वो साइन करेगा, पर वो जो स्टैम्प है दैट इज मेन थिंग, जिसको कॉमन सील बोला जाता है। ये थोड़ी सी अलग होती है, बिल्कुल स्टैम्प नहीं कहेंगे आप इसको, पर थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। इट डिनोट्स द सिग्नेचर एंड LLP में हैव इट्स ऑन कॉमन सील, यानी कि जो सिग्नेचर होते हैं आपके एंड LLP में हैव इट्स ऑन कॉमन सील, कि अगर आपका अग्रीमेंट में लिखा गया है तो आप बना सकते हो, अदरवाइज सिग्नेचर भी आपका जो है मेन रह सकता है। तो उसमें जो है एक तरीके से ऑप्शन आप कह सकते हो। फॉर्मेलिटीज़ ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इसको रजिस्टर कराने की फॉर्मेलिटीज़ क्या होती हैं। इन केस ऑफ रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप डीड अलॉन्ग विद फॉर्म एफिडेविट रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड विद रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म अलॉन्ग विद रिक्वेस्टिंग फाइलिंग फीस, यानी कि आप जाओगे रजिस्ट्रार ऑफ फर्म होती है आपकी ROF, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास जाओगे, अपना रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप का डीड दोगे कि ये मेरा पार्टनरशिप डीड है, हम दोनों जो है दोस्त मिलकर आए हैं अपनी दोस्ती यारी निभाने, ठीक है। एफिडेविट लोगे अगर रिक्वायर्ड है तो, अगर किसी सिचुएशन में या जो भी फॉर्म्स वहाँ पे उस टाइम पे अवेलेबल कराए जाते हैं, जैसे कि सिनेरियो चेंज होता रहता है तो फॉर्म भी चेंज होते रहते हैं, तो जो फॉर्म उस टाइम पे होंगे वो आपको जो है, प्लस आपको कुछ रजिस्ट्रेशन फी जो है जमा करानी पड़ेगी, और या इस तरीके से आप अपना पार्टनरशिप जो है वो अपना एक तरीके से कह सकते हो कि इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। नाउ कम टू द कंपनी, कंपनी में क्या है, आपके पास ई फॉर्म्स अलॉन्ग्स विद मेमोरेंडम, यानी कि जो आपके फॉर्म है आप वो भरो, आर्टिकल MOA भरो, AOA भरो, ठीक है, उसके साथ जो है आप रजिस्ट्रार और कंपनी को जो भी फीस बनती है उसके साथ दे दो। हालांकि अब की सिचुएशन में क्या है ना, एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्म आ गया है स्पाइस करके नाम, मैंने अभी कल ही पढ़ा था स्पाइस करके, ठीक है। अब इससे क्या है कि सारे डॉक्यूमेंट्स आपको तभी मिल जाते हैं, जैसे कि कंपनी स्टार्ट करने के टाइम पे आपको डायरेक्टर चाहिए होते हैं, तो उस टाइम पे अगर मान लो आपके पास कोई डायरेक्टर है आपके पास, उनमें से किसी के पास जो है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर DIN नहीं है, तो अगर उस सिचुएशन में क्या हो सकता है, वो आपको उसी फॉर्म में सब चीज़ें करके दे देंगे, एक ही फॉर्म में आपको सब कुछ मिल जाएगा। अगर आपको GST नंबर भी अप्लाई करना है उसी में कर देंगे, कुछ और भी अप्लाई करना है, टेन नंबर, पेन नंबर, फलाना नंबर, ढिलकाना नंबर, सब कुछ वो आपको उसी टाइम पे जो है अप्लाई करके दे देंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी सहूलियत बनाई है हमारी गवर्नमेंट ने, तो हमको उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। वेरियस ई फॉर्म्स आर फिल्ड विद रजिस्ट्रार ऑफ LLP विद प्रिस्क्राइब्ड फी, यानी कि जो भी आपके फीस होंगी प्लस पेपर्स होंगे वो आपको देने हैं किसके पास, आपके रजिस्ट्रार ऑफ LLP के पास। नाउ कम टू लीगल प्रोसीडिंग्स, ओनली रजिस्टर्ड पार्टनरशिप कैन सू थर्ड पार्टी। अब मान लो किसी थर्ड पार्टी के साथ आपका झगड़ा हो गया, ठीक है, ABC आप चल रहे थे, C की XI, उसने कहा ये तीनों इतने खुश हैं, ठीक है, इनकी दोस्ती बड़ी अच्छी लग रही है, इनमें दरार डालती हूँ, ये मेरा एक्स है, मुझे इससे तो बदला लेना ही है, तो इसमें दरार डालती हूँ। तो इसने क्या किया, कुछ फेक कुछ काम करके इनकी पार्टनरशिप फॉर्म में जो है दिक्कत करा दी। अब इनको पता चल गया कि यार इसकी प्रॉब्लम है, ठीक है, इसने दिक्कत कराई है, तो अब ये क्या इसको सू कर सकते हैं, यानी कि क्या इसको कोर्ट तक लेके जा सकते हैं कि इसने जानबूझ के हमें लॉस कराया है, या कुछ ऐसी सिचुएशन हुई है, हमारी कोई गलती नहीं थी, हमें लॉस हुआ, हमें इससे जो है अपना पैसा चाहिए। तो इस सिचुएशन में अगर ये पार्टनरशिप रजिस्टर्ड है, तो ये इसको कोर्ट तक लेकर के जा सकते हैं, अदरवाइज नॉट, ठीक है। अगर रजिस्टर्ड है तो लेके जाइए, नहीं तो नहीं। तो इसीलिए रजिस्ट्रेशन कहा जाता है, पार्टनरशिप का कराना एक बेनिफिशियल होता है कि आप जो है थर्ड पार्टी को सू कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कंपनी जो है एक लीगल एंटिटी है, तो ऑब्वियसली वो सू भी कर सकती है, और उसको भी कोई सू कर सकता है। सू मत समझ लेना, सू की बात हो रही है, ठीक है। तो आप जो है सू कर सकते हो, यानी कि आप उस पर केस कर सकते हो, साथ ही साथ आपके ऊपर भी केस हो सकता है। LLP इज़ अ लीगल एंटिटी कैन सू एंड बी सूट, यानी कि एक LLP भी जो है इसको भी सू किया जा सकता है, प्लस इस ये भी किसी अदर पार्टी को सू कर सकती है। फॉरेन पार्टिसिपेशन, फॉरेन नेशनल्स कैन नॉट फॉर्म पार्टनरशिप फॉर्म इन इंडिया, ठीक है। कोई भी फॉरेनर पर्सन जो है वो पार्टनरशिप फॉर्म नहीं बना सकता। फॉरेन नेशन कैन बी मेंबर इन अ कंपनी, पर अगर आपकी कंपनी बन रही है तो वो उसमें एज अ मेंबर आ सकता है, ठीक है, और LLP में वो एक पार्टनर बन सकता है। देखो, फॉरेन पर्सन का जो है नॉर्मल पार्टनरशिप फॉर्म में जो है अलाउड नहीं है, कंपनी में एज अ मेंबर आ सकता है, और LLP में एज अ आपका जो है पार्टनर वो आ सकता है।
नंबर ऑफ मेंबर्स जो है मिनिमम 2 मैक्सिमम 20, पार्टनरशिप में मिनिमम 2 मैक्सिमम 20, कंपनी में मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 5 इन केस ऑफ प्राइवेट, अगर प्राइवेट कंपनी है तो कम से कम 2 चाहिए और मैक्सिमम 50 चाहिए, और अगर इफ इट इज अ पब्लिक कंपनी है तो कम से कम आपको 7 मेंबर्स चाहिए ही चाहिए, मैक्सिमम जो है उसमें आप देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। आई थिंक इसका अभी रिसेंटली 200 का मेंबर्स का चल रहा है, पर हो सकता है शायद चेंज हो गया हो। मिनिमम 2 पार्टनर्स एंड देर इज़ नो लिमिटेशन ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन LLP। LLP में कम से कम 2 बंदे चाहिए, क्योंकि पार्टनरशिप शुरू करने के लिए 2 बंदे तो चाहिए ही चाहिए ना, ऐसा थोड़ी ना है मैं अपनी आत्मा के साथ ही पार्टनरशिप कर लूँ, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। सुनने में चीज़ें अच्छी लगती है पर प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल। ऑनरशिप ऑफ एसेट्स, पार्टनर्स हैव जॉइंट ऑनरशिप ऑफ ऑल एसेट्स बिलोंगिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म्स की जितनी भी एसेट होंगी ना, वो सारी की सारी पार्टनर्स उन पर क्या है, जॉइंट ऑनरशिप रखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने जो है एजुकेशन से रिलेटेड कोई फर्म खोली या कुछ भी खोला, तो ये बोर्ड है, ये ट्राईपोर्ड है, ये फ़ोन है, ये हमारी एसेट है पार्टनरशिप फर्म के, तो हम जितने भी पार्टनर्स होंगे हम सबका इस पर पूरा बराबरी का अधिकार होगा। नाउ नेक्स्ट कम टू योर कंपनी, द कंपनी इंडिपेंडेंट ऑफ द मेंबर्स हैज़ ऑनरशिप ऑफ एसेट। अब कंपनी क्या है, अब वो अपनी इंडिपेंडेंट है, उसके मेंबर्स जो हो गए उससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे कंपनी के इंडिपेंडेंट वो एसेट होती हैं। द LLP इंडिपेंडेंट ऑफ द पार्टनर्स ऑनरशिप ऑफ एसेट। अब LLP का भी क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ द पार्टनर्स जो है उसकी पूरी ऑनरशिप है एसेट के ऊपर। राइट्स ड्यूटी ऑब्लिगेशन, मैनेजिंग पार्टनर और डायरेक्टर, राइट्स ड्यूटी ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टनर्स आर गवर्नड बाय पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में जो भी राइट्स एंड ड्यूटीज लिखी गई हैं उसी के तहत जो ड्यूटीज और राइट्स होंगे वो आपके पार्टनरशिप में होंगे। वहीं आपका जो है राइट्स ड्यूटीज ऑब्लिगेशन ऑफ द डायरेक्टर आर गवर्नड बाय AOA। अभी मैंने बात की थी AOA क्या बताता है कि आपकी कंपनी के अंदर कैसे काम किया जाएगा, क्या सिनारियो रखा जाएगा, तो इसलिए राइट ड्यूटी और जो ऑब्लिगेशन डायरेक्टर के हैं वो कहाँ डिस्क्राइब होते हैं, AOA में। और रिजोल्यूशन पास्ड बाय शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स, या कोई आपने रेजोल्यूशन पास किया आपने शेयर होल्डर्स के द्वारा और डायरेक्टर्स के द्वारा, तो वो भी आपके राइट्स ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन में आ जाएंगे। वहीं पे आपका जो है LLP अग्रीमेंट्स बताएगा क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज हैं, क्या ऑब्लिगेशंस हैं। अब बात करते हैं आपकी यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की, मुझे दिख भी नहीं रहा यहाँ तो। एलिजिबिलिटी ऑफ पार्टनर्स और मेंबरशिप, ठीक है। अनलिमिटेड पार्टनर्स आर सर्वली एंड जॉइंटली लेबल फॉर एक्शन ऑफ अदर पार्टनर्स एंड द फर्म एंड लेबिलिटी एक्सटेंड टू देयर पर्सनल एसेट। अब यहाँ पे जो है मान लो आपकी कंपनी को कोई लॉस हो गया, यानी पार्टनरशिप फर्म को कोई लॉस हो गया, तो यहाँ पे जो लेबिलिटी है दैट इज व्हाट, दैट इज योर अनलिमिटेड, ठीक है। सॉरी, मैंने एलिजिबिलिटी बोल दिया था, ये लेबिलिटी की बात कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है, लेबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड है। अगर आपका कोई लॉस हुआ है तो पार्टनर्स की पर्सनल एसेट तक, उसके खुद के जो है अंदरूनी हिस्सों के जो वस्त्र होते हैं वो भी बेचे जा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, कंपनी में जनरली लिमिटेड टू द अमाउंट रिक्वायर्ड बाय द पेड अप ऑन द शेयर। जनरली कितना होता है, जो आपका शेयर है एज अ शेयर होल्डर, आप उसके क्या हो, ऑनर हो, तो एज अ शेयर होल्डर जितना आपका शेयर है उतना ही नॉर्मली जनरली जो है उतना ही आप लॉस बेयर करते हो। और LLP में तो नाम ही बोलता है जैसे कि लिमिटेड लायबिलिटी, तो यहाँ पे लिमिटेड होता है कितना, जितना कंट्रीब्यूशन आपने LLP में किया है, एक्सेप्ट एक सिचुएशन को छोड़ के जहाँ पे आपने इंटरनेशनल फ्रॉड और रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन और कमीशन बाय द पार्टनर्स का सिचुएशन बना। नेक्स्ट इज टैक्स लायबिलिटी, इनकम ऑफ पार्टनरशिप इज टैक्स फ्लैट रेट 30% प्लस एजुकेशन एज एप्लीकेबल। यहाँ पे क्या है, 30% का जो है आपका फ्लैट रेट लगता है, चाहे 10,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ हो या 1,00,000 का हुआ हो, कुछ मतलब नहीं है, सीधा 30% हमें दे दो प्लस एजुकेशन सेस दे दो और टाटा बाय बाय होकर निकल लो, ठीक है। इनकम टैक्स जो है कंपनी पे 30% लगता है प्लस सरचार्ज एज एप्लीकेबल। फिलहाल ये अभी कम हुआ है, ठीक है। अभी रिसेंटली जो हमारा बिल आया था उसके अकॉर्डिंग भी बहुत कम हो गया है, और कहते हैं आपका पब्लिक के लिए और प्राइवेट के लिए कुछ सिचुएशंस में गवर्नमेंट ने थोड़ी सी छूट दी है कि जिनका टर्नओवर बहुत कम था या बहुत ज़्यादा था उनके लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया है। तो हालांकि मुझे इसके एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता तो मैं आपको भी नहीं बता सकती। तो इनकम ऑफ LLP इज टैक्सड एट अ फ्लैट रेट 30% प्लस एजुकेशन सेस। तो यहाँ पे भी 30% प्लस एजुकेशन सेस। प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, पार्टनर्स आर एजेंट ऑफ द फर्म एंड अदर पार्टनर्स। अब पार्टनर्स क्या है, एक साथ काम कर रहे हैं तो वो एक दूसरे के एजेंट भी हैं, एज वेल एज वो पार्टनरशिप के भी एजेंट है, पार्टनरशिप फर्म के भी एजेंट है। यहाँ पे क्या है, डायरेक्टर्स जो है एज एन एजेंट काम करते हैं कंपनी के लिए, और पार्टनरशिप यहाँ पे LLP में भी पार्टनर्स जो हैं एक्ट एज एन एजेंट एंड नॉट ऑफ द अदर पार्टनर्स। LLP में क्या है, एक दूसरे के लिए पार्टनर नहीं है, परंतु जो LLP है, जो पूरी फर्म है आपकी, उसके लिए आप पार्टनर्स एजेंट हो।
ट्रांसफर इनहेरिटेंस ऑफ राइट, यहाँ पे जो है मान लो अगर आप तीन लोग मिलकर के पार्टनरशिप कर रहे हो ए बी सी, तो यहाँ पे आपने सोचा कि सी ने कि मैं अपना जो है जो राइट है वो किसी और पार्टी को दे देता हूँ और मैं निकल जाता हूँ, तो ऐसे सिचुएशन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। चाहे आप टह बोल जाओ, चाहे आप निकल लो, भगवान को प्यारे हो जाओ, तो ऐसा नहीं है। जो आपके लीगल हायरर आपके बेटे पोते नाती होंगे उनको जो है यहाँ पे फाइनेंशियल चीज़ें रिसीव हो जाएँ या उनको जो है एज अ पार्टनर रख लिया जाए। ऑनरशिप इजिली ट्रांसफरेबल होती है, आप शेयर बेच सकते हो और ले सकते हो। रेगुलेशन रिलेटिंग टू ट्रांसफर आर गवर्न्ड बाय LLP अग्रीमेंट। LLP अग्रीमेंट में जो लिखा गया होगा उसके अकॉर्डिंग रेगुलेट किया जाएगा। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स पार्टनरशिप राइट्स इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर द लीगल, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ शेयर, अगर आपका कोई शेयर है या कुछ आपका राइट था तो उस चीज़ में, तो वो क्या होगा, आपकी अगर डेथ हो जाती है तो आपकी लीगल्स को मिल जाएगा। इन केस ऑफ डेथ ऑफ मेंबर शेयर्स आर, तो अगर आपकी एज अ मेंबर हो और आपकी डेथ हो गई है तो आपको शेयर्स भी जो है आगे एक तरीके से ट्रांसफर हो सकते हैं। इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर द लीगल हायरर्स, ठीक है। केस ऑफ डेथ हायरर्स हैव द राइट टू गेट द रिफंड ऑफ द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। अब मान लो ए बी सी तीनों मिलकर के काम कर रहे थे, सी टैब बोल गया, अब उसका जो है पैसा तो लगा हुआ है ना पार्टनरशिप में, तो वो जो पैसा जो लगा हुआ है वो रिफंड किया जाएगा, प्लस जो भी प्रॉफिट उस टाइम तक हो गया होगा वो उसको दिया जाएगा, पर उसको पार्टनरशिप नहीं बनाया जाएगा। ट्रांसमिटेड टू द लीगल हायर, जो भी आपका शेयर्स होंगे वो उसको ट्रांसमिट कर दिए जाएंगे, ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। हैव द राइट टू गेट द रिफंड ऑफ द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, सेम गोज विद दिस वन, ठीक है। शेयर इन एक्युमुलेटेड प्रॉफिट जो यहाँ पे बात हुई थी, और उसको पार्टनर नहीं बनाया जाएगा। डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, अब देखो पार्टनरशिप के लिए कोई आपको अलग से आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं लेना पड़ता आपको इसमें। कंपनीज में अगर आपको डायरेक्टर बनना है तो एक डायरेक्टर सर्टिफिकेट जो है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना पड़ेगा। ईच डेजिग्नेटेड पार्टनर इज रिक्वायर्ड टू हैव अ DPIN बिफोर बींग अपॉइंटेड एज डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑफ LLP। लेकिन LLP में अगर आपको डेजिग्नेटेड पार्टनर बनना है तो आपको DPIN लेना पड़ेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिजिटल सिग्नेचर। अब यहाँ पे क्या है, आपको LLP में सॉरी पार्टनरशिप में जो है डिजिटल सिग्नेचर की आवश्यकता नहीं है, यानी कि कंपनी का जैसे डिजिटल सिग्नेचर नॉर्मली आपका पर्सन का डिजिटल सिग्नेचर होता है, यहाँ पे आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एज ई फॉर्म्स आर फिल्ड इलेक्ट्रॉनिकली एटलीस्ट वन डायरेक्टर शुड हैव डिजिटल सिग्नेचर। एटलीस्ट एक डायरेक्टर को जो है यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर होना चाहिए, क्योंकि आप ई फॉर्म्स भरते हो तो वो डायरेक्टर के जो है सिग्नेचर उससे लग के जाते हैं। एज ई फॉर्म्स आर फिल्ड इलेक्ट्रॉनिकली एटलीस्ट वन डेजिग्नेटेड पार्टनर शुड हैव डिजिटल सिग्नेचर। एटलीस्ट एक पार्टनर का डिजिटल सिग्नेचर होना चाहिए, तभी जो है काम हो पाएंगे, तभी ई फॉर्म्स भरे जाएंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही गाइस। एक्चुअली ये थोड़े और पेपर हैं, बट अभी मेरी जो है हिम्मत ख़त्म हो चुकी है, ये अभी मैं इतना ही पढ़ा पाऊँगी। हो सकता है इसका नेक्स्ट पार्ट भी हम लेकर के आए। तो अगर आपको अच्छी लगी वीडियो, अगर आपको इसके बारे में और डिटेलिंग चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। अगर आपको चाहिए इसकी सेकेंड पार्ट भी, यानी कि जो बाकी बचे हुए पेजेस हैं 3-4, वो भी अगर आप चाहते हैं हम कवर करें, तो पहले अच्छे से कमेंट करके हमें जो है बताइए कि वी वॉन्ट सेकेंड पार्ट, तभी हम इसको अपलोड करेंगे। सो लेट्स जस्ट वेट करते हैं नेक्स्ट वीडियो का, आपके कमेंट्स का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।